हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 7 चैप्टर 13 पावर्स एंड एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की अपनी एक क्या होती है, फॉर्म होती है a रेज टू 8, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर समथिंग n। ठीक है, ऐसे लिखना होता है हमें। अब ये a क्या है, मान लो 3 है, 5 है, 8 है। अगर आपके पास कोई डेसिमल में नंबर है तो अगर ये है जो मेरा वो डेसिमल में है तो वो डेसिमल में समथिंग ऐसे आएगा, कोई नंबर, फिर यहाँ पॉइंट, कोई नंबर इंटू 10 रेज टू पावर कुछ भी। ठीक है, यानी हमें जो डेसिमल लाना होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर होता है उसके पास तक लाना होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यानी हम इनको एज ए इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर समथिंग। ठीक है, ए कोई नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है मेरा, 5, तो मेरा 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब ये जो पावर n आपको दिख रही है, इस n का मतलब क्या है कि आपने जो ये पॉइंट है ये कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपने 7 प्लेसेस लिखे हैं। तो यानी आप यहाँ पे क्या करोगे, उतनी ही पावर शिफ्ट करोगे। तो ये इसकी बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप उतनी ही 10 रेज टू पावर लिखोगे जितने आपने ये डेसिमल है शिफ्ट किया है। इसमें डेसिमल नहीं है, यानी आप कहाँ आप शिफ्ट कर रहे हो वो चीज देखोगे। बी पार्ट इज 7 0 0 0 0 0। इसमें भी आप फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपके पास 7 है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। इस 7 के अलावा यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 0, 1 2 3 4 5 6, सो ये बन गया 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट पार्ट 3 18 65 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे 1 8 6 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने जीरोज है हमारी, हमने कितना शिफ्ट किया है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, 3.1865 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट 3 9 0 8 7 8। ठीक है, यानी पॉइंट हमारा यहाँ है, हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3.90878। हमने कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, आप फर्स्ट नॉन जीरो नंबर देखो और उस पे पॉइंट लगाओ, उसके बाद आपके पास जितनी भी नंबर बचते हैं उतना आप 10 रेज टू पावर में लिख दो, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नाउ ई पार्ट 3 9 0 8 7 8। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल गिवन है, ये डेसिमल यहाँ प्रेजेंट है, हम इसको शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ लाएंगे, तो हमने कितना शिफ्ट किया है इसको, 1 2 3 4 4 शिफ्ट किया है, तो हम इसको लिखेंगे 3.90878 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। यानी हमने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उतने हम 10 रेज टू पावर में लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 3908.78।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेसिमल को 1, 2 और 3 प्लेस पे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3.90878। कितना शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, सो 10 raised to power 3। ये हमारे पास क्या बन गई, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कितना है वो पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, उतने ही आप 10 raised to power में लगा दो, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और इनमें कोई नंबर है, जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये प्रेजेंट है। इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ठीक है, अब फर्स्ट केस में हमारे पास ये नंबर गिवन है, ठीक है, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 3 फर्स्ट नॉन जीरो है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 8, 4। अब हम क्या करेंगे, 10 raised to power में हम उतने ही नंबर लिखेंगे जितने यहाँ गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.84 × 10⁸ meter। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर। सेकेंड केस में हमारे पास ये नंबर गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये नंबर गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 10⁻ meter। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरोस काउंट करेंगे कि कितना, 3 के बाद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो 3 × 10⁸ meter per second। ये हमारी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट केस, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज दैट। अब हमें इस नंबर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 1, सो 1.2756। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 raised to power, 1 के बाद कितने पॉइंट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 पावर लगाएंगे, ये बन जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट केस, द डायामीटर ऑफ सन, ये है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.4 × 10⁻ meter। 1 के अलावा कितने नंबर प्रेजेंट है यहाँ पे, 3, 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास क्या बन गया, 1.4 × 10⁹ meter। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार्स हैं। अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 1 × 10⁻¹। 1 के अलावा कितने डिजिट्स प्रेजेंट है, 3, 6, 9, 10, 11, सो 1 × 10⁻¹ स्टार्स। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट इज, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12,000,000,000 ईयर्स ओल्ड। हमें क्या करना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी मेरी, 1.2 × 10⁻¹। अब 1 के अलावा कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो हमारे पास बन जाएगा 10 raised to power 10। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट इज, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दैट। हमें इस नंबर को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 हमारा नॉन जीरो नंबर है, 3 × 10⁻¹ कितनी आएगी, जितने 3 के अलावा सब डिजिट्स प्रेजेंट है इस नंबर में, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19 and 20, सो 3 × 10⁻¹ 20। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, 3 × 10⁻¹ meters। नेक्स्ट,
ये हमें गिवन है, मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेट 1.8 ग्राम। हमें इस वाले नंबर को कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये नंबर बन जाएगा मेरे पास 6.023 मल्टीप्लाइड 10^10। अब हम नंबर्स काउंट करेंगे कितने हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 and 22। सो 6.023 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट, द अर्थ हैज दैट क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, ठीक है। अब हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास, 1.353 × 10^1। के अलावा कितने डिजिट्स हैं, 3, 6, 7, 8, 9। सो ये बन गया 1.353 × 10^9 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इन मार्च 2001। इसका हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 1.027 × 10^1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1.027 × 10^9।